कटनी जिले के फॉरेस्टेड प्लेग्राउंड में निजी अकादमी द्वारा भरी गर्मी में नन्हे नन्हे खिलाड़ियों को मैदान में बुलाकर प्रशिक्षण देने का मामला सामने आया। बता दें कि गर्मी के मौसम में जून महीने में बढ़े हुए तापमान में जहां स्कूलों न्यायालयों में छुट्टियां घोषित की जा चुकी हैं, तो वहीं दिल्ली के फॉरेस्ट प्लेग्राउंड में निजी अकादमी द्वारा नन्हे खिलाड़ियों को मैदान में बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस मैदान में क्रिकेट प्रशिक्षण निजी अकादमी द्वारा क्रिकेट खिलवा रही है, उस ग्राउंड में निर्माण कार्य चालू है और चारों तरफ मैदान में पत्थर बोल्डर भी बिखरे हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर बीसीसीआई लेवल के एम्पायर ने खुद आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इस मौसम में क्रिकेट का आयोजन एमपीसी में भी बंद है, तो यह अकेडमी किस तरह इतनी तेज गर्मी में नन्हे बच्चों को क्रिकेट प्रशिक्षण दे रही है, जो कि सरासर गलत है। मुझे तो लगता है कि जैसे स्कूलों में भी कलेक्टर साहब का आदेश हो गया है, शिक्षकों के लिए भी उनकी छुट्टी कर दी गई है। यहाँ तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने टेम्परेचर में माँ बाप निकलने कैसे देते, मुझे तो ये लगता है। और जबकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बीसीसीआई लेवल वन अंपायर हूँ, मुझे मालूम है कि अभी कहीं भी कोई भी ट्रायल नहीं है, ना एमपीसीए में ना डिवीज़न में, कहीं भी कोई ट्रायल नहीं है। और पता नहीं मुझे इतनी धूप में क्यों बुलाया जा रहा है। हाँ, आप सुबह बुलाओ जब टेम्परेचर कम हो, शाम को बुलाओ टेम्परेचर कम हो, तो समझ में आता है। कारण तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ जितनी भी एकेडमी चल रही है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वो सुबह बुलाते हैं या शाम को बुलाते हैं, दोपहर को कोई नहीं बुलाता बच्चों को। और बहुत छोटे बच्चे हैं, कोई बच्चा चक्कर खा के गिर जाए या कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन?